नमस्कार प्यारे बच्चों बच्चों, आज मैं और आप यानी हम मिलकर मुगल गार्डन की सैर पर चलने वाले हैं। आप सोच रहे हैं मुगल गार्डन की सैर, और वो भी घर बैठे। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा के पाठ 11 मुगल गार्डन की सैर के माध्यम से हम घूमने चलेंगे। और चलने से पहले हम देखते हैं कि ये मुगल गार्डन कहाँ पर है। ये देखो, ये है भारत का नक्शा। यहाँ पर देखो, ये है दिल्ली। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ही मुगल गार्डन स्थित है। पता है बच्चों, राष्ट्रपति भवन हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय का आवास स्थल है, अर्थात उनका घर है। तो प्यारे बच्चों, चलो पहले हम मुगल गार्डन की एक झलक देखते हैं। तो देखा आपने सचमुच कितना मनोहर दृश्य है मुगल गार्डन का। बच्चों, यहाँ पर गुलाब के फूलों की 250 से अधिक प्रजातियाँ हैं, यानी 250 प्रकार के रंग बिरंगे गुलाब के फूल आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ गुलदाउदी, गुड़हल, डहलिया, ट्यूलिप, मोगरा, कनेर आदि के फूलों की भी खूब सारी किस्में हैं। बच्चों, फूल पत्तियों और औषधियों से भरे इस गार्डन को म्यूजिकल फाउंटेन चार चांद लगाते हैं। इस सुंदर मुगल गार्डन को आप फरवरी मार्च के महीनों में देख सकते हो। प्यारे बच्चों, फूल हैं ही इतने सुंदर कि इनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, और फूलों की खुशबू से तो दिलो दिमाग तरोताजा हो उठता है। इनसे हर जगह सुंदर हो जाती है, फिर चाहे वो हमारा घर हो या मुगल गार्डन। जानते हो बच्चों, हर फूल के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होती है। जैसे कुछ फूल आकार में छोटे होते हैं, जैसे जूही, तो कुछ फूल आकार में बड़े होते हैं, जैसे डहलिया। पता है बच्चों, कुछ फूल तो ऐसे होते हैं जो केवल रात में खिलते हैं, जैसे रात की रानी व ब्रह्म कमल। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर लगते हैं, जैसे गुलमोहर। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो झाड़ियों पर उगते हैं, जैसे गुलाब। कुछ फूलों की तो बेल होती हैं, जैसे
चमेली। कुछ फूल पानी में उगते हैं, जैसे कमल का फूल। कुछ फूलों की पंखुड़ी बहुत छोटी व आपस में जुड़ी हुई सी लगती हैं, जैसे गेंदा। तो कुछ फूल ऐसे भी होते हैं बच्चों, जिनकी पंखुड़ियाँ लंबी व एक दूसरे से अलग-अलग होती हैं, जैसे कचनार। और बच्चों, सूरजमुखी तो एक ऐसा फूल है जो कि सूरज की तरफ ही मुंह करके खिलता है, सूरज के साथ ही घूम जाता है। सूरजमुखी, इसीलिए तो उसका नाम सूरजमुखी है। बच्चों, फूलों में पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में जानकर तो मेरा मन खूब सारे फूलों को देखने के लिए मचल रहा है। चलो आप भी देखो मेरे साथ ये रंग बिरंगे फूल, इन्हें देखकर इनके नाम भी याद करना आप सभी। तो फिर चलो देखते हैं। और हाँ बच्चों, ये देखने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ मेरी सुनहरी सखी उड़न परी से, जो कि एक बहुत सुंदर सी तितली है, और यही हमें इन फूलों के बारे में बताएगी। तो चलो अब देखते हैं। ये देखो बच्चों, ये कंटेली, अमलतास, नीम, मोगरा, गुलाब, गेंदा, चमेली, कनेर, कैर। गुलदाउदी सदाबहार, गुलाब, चंपा, सूरजमुखी, कमल, लिली, और ये है रात की रानी। और देखो बच्चों, गुड़हल, सरसों, धतूरा, और ये है कीकर। बच्चों, अब तो मुझे इन सभी फूलों के नाम याद हो गए हैं। इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद उड़न परी। तो चलो बच्चों, इन्हीं में से एक फूल जिसका नाम है सूरजमुखी, मैं आपको कागज़ से बनाना सिखाती हूँ, वो भी बहुत ही रोचक और आसान तरीके से। तो चलो सीखना शुरू करते हैं। अब हम सनफ्लावर बनाने वाले हैं, यानी कि सूरजमुखी। इसके लिए जो सामान चाहिए बहुत ही आसान है बच्चों। एक सर्कल है, ये मैंने बॉटल के ढक्कन से काटा है, ब्राउन कलर का। अगर आपके पास पेपर नहीं है, आप कागज़ पे ब्राउन कलर करके निकाल सकते हो। ये दो पेपर चाहिए आपकी कॉपी के पेज जितने हैं, और ये येलो कलर है क्योंकि सनफ्लावर येलो कलर का होता है। मेरे पास कलर पेपर है, आपके पास नहीं हो तो आप कलर कर सकते हो कॉपी में। सनफ्लावर बनाने का तरीका, सबसे पहले बच्चों हमें बनाना है इस आयताकार पेज का पंखा। पंखा जो आप अक्सर क्लास में बनाते हो, पेपर फैन,
इस तरह से मोड़ते हुए आपको ये पूरा पंखा बना लेना है। ये देखो बच्चों, ये लगभग हमारा एक पेपर का पंखा बन गया है। अब हमें दूसरे वाले से भी बनाना है, वो भी दिखाती हूँ बना के। ये दूसरा पेज ले लिया बच्चों मैंने, इसके भी हमें ऐसे ही पंखा बनाना है जैसे हमने पहले वाले से बनाया है। देखो बच्चों, ये दोनों ही पेपर फैन बनके तैयार हो गए हैं। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, ये देखो, ये मैंने एक पकड़ा और इसको हमें इस तरह से मोड़ना है कि यहाँ से ये लगभग बराबर हो जाए और यहाँ इसको प्रेस करना है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहला काम हमें करना है, ये जो हमने मोड़ा उसके बाद ये जो दो साइड की पंखुड़ी हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से तिकोनी शेप में काटूंगी। मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। देखो बच्चों, बहुत ही ये आप काटने वाला स्टेप अपने घर के बड़ों से करवा सकते हो, बड़ा ही आसान है ये इस तरह से। अब जितना मैंने इसको काटा है इतना ही ये यहाँ पे, देखो ये दूसरा भी रखा मैंने, और इसको भी बिल्कुल इसी साइज़ का काटेंगे जो इसके नीचे दूसरी पंखुड़ी थी। अब ये दोनों साइड से कट गया है। अब फटाफट से यही स्टेप बच्चों हम इसके साथ करेंगे, ऐसे ही मोड़ेंगे नीचे से, यहाँ से ये बराबर होना चाहिए। जब ये यहाँ बराबर हो जाए फिर यहाँ इसको प्रेस कर देंगे। उसके बाद इसकी भी हमें ऐसी ही शेप बनानी है, तो उसके लिए बच्चों जो पहले से हमने शेप बनाई थी उसको यहाँ रखेंगे एक बार और बिल्कुल उसी के नाप के हिसाब से बनाएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही काटेंगे जैसे पहला वाला काटा था। काटने का काम बार बार बोल रही हूँ आपको, अपने बड़ों से करवाइएगा। ठीक है, अब देखो ये दूसरी साइड से भी मैं इसी के साथ काटूंगी इसको, और ये आ गई इसमें ट्रायंगल वाली शेप। अब बच्चों ये देखो, ये जो एक पंखुड़ी थी इसकी अंदर वाली साइड में हम यहाँ फेविकॉल लगाकर इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये देखो, इसको पेस्ट करके बिल्कुल ऐसे ही अभी इसको चिपकने रखेंगे थोड़ी सी देर। अब हम इसको भी यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये दोनों ही जब बीच में से मैंने पेस्ट कर दिए हैं फेविकॉल से, इस तरह की आकृति हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक साइड से अब हमें ये भी पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ फेविकॉल लगा के मैं इसको पेस्ट करके आपको इस तरह से अभी दिखाती हूँ। अब ये बच्चों एक साइड से पेस्ट हो गया है, अब मैं इसको दूसरी साइड से भी कर दूंगी। किसी भी एक साइड में आप यहाँ फेविकॉल लगाएं और इसको इसके दूसरे किनारे से हमें जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से इनके कोने पकड़ के, और ये बच्चों यहाँ आप इसको जोड़ दोगे, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये इस तरह की आकृति बन गई है बच्चों। अब जो बीच में से ये निकल रहा है ना, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो बच्चों इसे पेस्ट होने के लिए रखते हैं। सनफ्लावर में आपने बीच का पोर्शन देखा है, ये ब्राउन कलर मैंने इसीलिए काटा है। इस पर पेन से कोई से भी कलर, पेन से इस तरह से आप स्पॉट बनाएंगे और आप भी देखो मेरे साथ इस तरह से स्पॉट बन जाएंगे। देखो ध्यान से इन्हें देखकर इनके नाम भी याद करना। अब इसको उठा के बच्चों हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, मैं इसको पेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। और बच्चों अब इस सनफ्लावर के लिए नीचे का जो तना होता है इसका वो बनाएं भी बताया था। देखो इस तरह से स्टिक लगा के पेपर में और इसको गोल गोल घुमाना है बच्चों। इस तरह से पूरा आप घुमाते चले जाएंगे और ये एक मोटी सी आकृति यानी कि एक मोटा सा तना बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। देखो बच्चों, फिर तुम्हें क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पर यहाँ फेविकॉल लगाना है और इसको इस तरह से पेस्ट करने के बाद ये जो स्टिक है इसको इस तरह से निकाल के साइड में रख सकते हो और ये हमारे पास इसकी फूल का तना बनके तैयार हो जाएगा।
अब बच्चों ये जो हमारा सनफ्लावर पेस्ट हो चुकी है ये चीज़ इसमें, और ये हमारे पास इसका तना भी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, पीछे यहाँ फेविकॉल लगाएंगे थोड़ा सा, और इस डंडी पर भी लगा के इसको इस तरह से यहाँ पेस्ट करेंगे कि इसकी ग्रिप बन जाए। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये अच्छे से पेस्ट हो गई है, आप देख बच्चों। अब हम सीखेंगे लीफ बनाना, फूल के लिए पत्तियाँ भी ज़रूरी होती हैं। तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों, इस तरह से ड्रॉ करना है और फिर इसको काट लेना है। ये काटने वाला काम आपको पता है, बड़ों से करवाना है। इसको काट के मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये लीफ काटने के बाद बच्चों हमें ग्रीन पेन लेना है, ग्रीन स्केच, और इसकी आउटलाइन करनी है। इस तरह से ये आउटलाइन करने के बाद बच्चों एक लाइन आपको बीच में खींचनी है, और जो आप पत्ती में देखते हो वही डिज़ाइन इस तरह से हमें इसमें बनाना है। ये आपकी पत्ती बन जाएंगी और आपको ऐसी ही दो पत्तियां बनानी हैं। ये देखिए, अब हम इसमें जल्दी से ये लीफ लगाएंगे जो हमने बनाई हैं, लीव्स इसकी हमें यहाँ लगा के, और ये ऐसे पेस्ट करनी है। ठीक है, मैं आपको ये पेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ फेविकॉल लगा लिया है, और इस तरह से इसको, ठीक है, और ऐसे ही दूसरी लीफ भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तैयार हो गए हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप आसानी से बना सकते हो। तो आप सभी को ये फूल बनाने हैं, ठीक है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सूरजमुखी का फूल बनाने वाली क्राफ्ट एक्टिविटी? हमारी सुनहरी सखी उड़न परी ने तो इस फूल को कागज़ से बनाना सीख लिया है, और उसके साथ साथ हम भी अच्छी तरह से समझ गए हैं फूलों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। प्यारे बच्चों, ये फूल खुशबू देने के अलावा और भी बहुत काम आते हैं हमारे, जैसे कि सजावट करने में, पूजा करने में, शादी विवाह और पार्टियों में, हार यानी कि मालाएं बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि कुछ फूलों की तो सब्जी भी बनाई जाती है, जैसे सहजना जिसे हम स्वांजना भी कहते हैं, और कचनार के फूल, इनकी सब्जी बहुत स्वाद बनती है। गुलाब के फूलों को तो आप अच्छे से जानते हो, गुलाब के फूल से इत्र यानी परफ्यूम, गुलाब जल और गुलकंद आदि बनाया जाता है। जीनिया व गुलदाउदी के फूल से तो रंग बनाया जाता है। इसके अलावा सूरजमुखी आदि फूलों से तेल बनाया जाता है। फूलों से अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात बच्चों, आप जानते हो ये जो फूल होते हैं ये कुछ कीटों जैसे कि भंवरा, तितली, मधुमक्खी आदि के लिए भोजन का भी प्रबंध करते हैं। ये सभी कीट फूल से रस चूसकर यानी मकरंद निकालकर उससे अपना पेट भरते हैं। ये जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं फूलों से हमें क्या क्या मिलता है, इन्हीं बातों को थोड़ा और अच्छे से आपको जानना है, पूछना है, आप अपने घर के सदस्यों से इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, आपने अक्सर फूलों को गमलों में उगे हुए देखा है, लेकिन आप जानते हो बच्चों फूलों को गमलों के अलावा खेतों में भी उगाया जाता है। खेतों में जो फूल उगाए जाते हैं उनका व्यापार किया जाता है, उन फूलों को मार्केट में या मंडी में
बेचा जाता है छोटे दुकानदारों को। जिन लोगों को बहुत सारे फूल चाहिए होते हैं, वो छोटी मोटी दुकानों से फूल नहीं खरीदते, बल्कि वो फूलों के खेत में जाकर ही वहाँ पर फूल खरीदते हैं। इससे उन्हें सस्ते और ताज़ा फूलों की प्राप्ति होती है। फूल को बोना वो तो बहुत आसान है। आप किसी भी फूल का बीज जमीन में दबाइए, उसके बाद उसमें से अंकुर फूटेगा और वो धीरे धीरे एक पौधा बनेगा। फिर उस पौधे में से एक कली निकलती है। कली का रंग थोड़ा सा अलग होता है बच्चों फूल से। कली ही तो फूल बनती है। फूल बनने के बाद उसका रंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बच्चों, थी ना ये सारी बातें बहुत मज़ेदार और खुशबू से भरी हुई? इन्हीं सब बातों को मैंने एक छोटी सी कविता के रूप में आपके लिए लेकर आई। चलो तुम्हें लेकर चलते हैं फूलों के बागान में। देखो कितने फूल खिले हैं खुशबू के जहान में। चलो तुम्हें लेकर चलते हैं फूलों के बागान में। देखो कितने फूल खिले हैं खुशबू के जहान में। लो बच्चों, हम आ गए फूलों के सुंदर से बाग में। अरे देखो देखो उधर देखो। देखो देखो भंवरा आया खाना अपना ढूंढने। देखो देखो तितली आई खाना अपना ढूंढने। मिला उन्हें मकरंद फूल में लगे बैठकर चूसने। मिला उन्हें मकरंद फूल में लगे बैठकर चूसने। अब आपको बताती हूँ बच्चों, फूलों से हम क्या क्या काम करते हैं, फूल हमारे किस किस काम में आते हैं। करें सजावट हम फूलों से गुलदस्ते भी बनाते हैं। करें सजावट हम फूलों से गुलदस्ते भी बनाते हैं। पूजा में चढ़ते हैं फूल और रंगोली भी सजाते हैं। पूजा में चढ़ते हैं फूल और रंगोली भी सजाते हैं। और भी सुनो बच्चों, कुछ फूलों से बने हार और कुछ फूलों से इत्र बने। कुछ फूलों से बने सब्जियां, कुछ फूलों से चित्र बने। कुछ फूलों से बने हार और कुछ फूलों से इत्र बने। कुछ फूलों से बने सब्जियां, कुछ फूलों से चित्र बने। और इन्हें देखो बच्चों। देखो बच्चों ये गुलाब है, रंग है इसका लाल जी। देखो बच्चों ये गुलाब है, रंग है इसका लाल जी। गुलकंद बने हैं मीठा इससे, इत्र भी बने कमाल जी। गुलकंद बने हैं मीठा इससे, इत्र भी बने कमाल जी। और अब सुनो बच्चों, कैसे उग जाते हैं ये बीज। को जब मिट्टी में बोए पौधा निकल कर आता है। बीज को जब मिट्टी में बोए पौधा निकल कर आता है। पहले कली आती है बाहर, फिर वो फूल बन जाता है। पहले कली आती है बाहर, फिर वो फूल बन जाता है। और ये भी सुनो बच्चों, ये कहाँ कहाँ उगते हैं। कहीं पे उगते हैं गमले में, कहीं उगे हैं खेत में। कहीं पे उगते हैं गमले में, कहीं उगे ये खेत में। कहीं पे उगते हैं ये बाग में, कहीं उगे ये रेत में। कहीं पे उगते हैं ये बाग में, कहीं उगे ये रेत में। अब बच्चों
एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ और जो बहुत जरूरी है। बच्चों सुन लो बात एक, ये आदत अपनी छोड़ो तुम। बच्चों सुन लो बात एक, ये आदत अपनी छोड़ो तुम। आते जाते बेमतलब में फूल कोई ना तोड़ो तुम। हाँ, आते जाते बेमतलब में फूल कोई ना तोड़ो तुम। और हाँ बच्चों, एक प्रण भी करना है। चलो आज ये प्रण हम कर ले, फूल लगाएंगे घर अपने। चलो आज ये प्रण हम कर ले, फूल लगाएंगे घर अपने। लेंगे सांस हम खुशबू में और महकाएंगे सुंदर सपने। लेंगे सांस हम खुशबू में और महकाएंगे सुंदर सपने, महकाएंगे सुंदर सपने। आहा, बहुत सुंदर कविता थी और उड़न परी ने तो बहुत अच्छे से इसको गाया भी। प्यारे बच्चों, उड़न परी ने आपसे जो कुछ भी कहा है इसको आप ध्यान रखना और इन सभी बातों का पालन भी करना। इतनी सारी बातें इतने अच्छे तरीके से सीख कर मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अब एक बहुत मज़ेदार काम तो बाकी है बच्चों, वो है हमारी अभ्यास कार्य संबंधी एक्टिविटी। इसे एक्टिविटी मैंने क्यों कहा है वो जब आप देखोगे तो समझ जाओगे। इस अभ्यास कार्य में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs, और ये बहुत ही अनोखे अंदाज में आपके सामने आने वाले हैं। आपको इन्हें सुनना है और इनका उत्तर देना है। प्यारे बच्चों, आपके लिए पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, गुजरात या फिर आगरा? प्रश्न दो, मुगल गार्डन कहाँ पर है? प्रधानमंत्री भवन, बाल भवन, राष्ट्रपति भवन या फिर उम्मेद भवन? प्रश्न तीन, मुगल गार्डन को जनता के लिए कब खोला जाता है? जनवरी व फरवरी, फरवरी व मार्च, मार्च व अप्रैल, अप्रैल व मई? प्रश्न चार, राष्ट्रपति भवन किसका आवास है? राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी या फिर राज्यपाल जी? प्रश्न पांच, फूलों से कीट और पक्षियों को क्या मिलता है? मकरंद, रोटी, लस्सी या फिर सब्जी? प्रश्न छः, गुलकंद व गुलाब जल किस फूल से बनता है? गुलदाउदी, सूरजमुखी, गुलाब या फिर मोगरा? प्रश्न
प्रश्न सात, इनमें से हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, मोगरा या फिर सहजना? प्रश्न आठ, इनमें से कौन सा फूल सूरज की तरफ मुंह रखता है? कनेर, कमल, सूरजमुखी या फिर गुलाब? प्रश्न नौ, इनमें से कौन से फूलों की सब्जी बनाई जाती है? मोगरा व चंपा, कचनार व सहजना, धतूरा व गुड़हल, रात की रानी व चमेली? अब है प्रश्न 10। ऐसे दो फूलों के नाम बताओ जो केवल रात में खिलते हैं। रात की रानी व ब्रह्म कमल, गुलाब व कनेर, गुलदाउदी व गेंदा या फिर सूरजमुखी व कमल? तो बच्चों, इस अभ्यास कार्य में पूछे गए प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये आपको खुद ही सोचना है, और जितने जवाब आपके सही हैं आपको उतने नंबर अपने आप को देने हैं। इन नंबर्स को आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को या अपने घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन को दिखाइए। इसके साथ साथ हमारी सुनहरी सखी उड़न परी ने आपको जो कविता सुनाई है वो कविता याद कीजिए, और जो फूल हमने बनाना सीखा है वो फूल बनाकर अपने बड़ों को गिफ्ट कीजिए। ठीक है बच्चों? अच्छा तो बच्चों, अब हम चलते हैं, और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में मेरे शब्दों को रूप दिया है मेरे साथी अध्यापक श्री नीरज अरोड़ा सर ने। इस प्रोग्राम को इतना मनोरंजक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी बच्चों को हम दोनों की तरफ से खुशबू भरी नमस्ते। फिर मिलेंगे।